इनके साथ हैं, ये भागलपुर बिहार से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 36 और पिछले 1.5 साल से राइट हिप के पेन की वजह से परेशान हैं। इनका जो डायग्नोसिस है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसकी वजह से इनको डेली एक्टिविटीज़ में, बेसिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम है आज। तो रोहिणी, कैसे शुरू हुआ था? रहता था 2011 के एंड से शुरू हुआ और उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिर्फ वहम है और आपको कोई भी डॉक्टर आराम से पैसे आपके निकाल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेन किलर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वेट रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये डायग्नोसिस हुआ सर ये जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस टाइम। कौन सा ईयर था वो? 2017 वगैरह में था। अच्छा, तो उस टाइम डायग्नोसिस। तो आप बीच में 5-6 साल बिल्कुल ठीक रहे? हाँ, बिल्कुल ठीक। ओके। पूरा पेन होता था, पेन किलर ले लेती थी, ठीक हो जाता था। मुझे भी नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा कोई अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी 2017 ऑनवर्ड्स क्या प्रोग्रेस रही? उसके बाद तो डिलीवरी के बाद तो सर मेरी तो पेन बढ़ता ही चला गया। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं तो अभी तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा चल पाते हैं, कुछ काम कर पाते नहीं, हैं। नहीं चल रही। मैंने पीएचडी कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, बट इतना क्वालिफाइड होने के बाद इंसान का मन करता है कि मैं जॉब करूं। मैं जॉब करूं। आई शुड अर्न, आई शुड सपोर्ट माय फैमिली। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आप वो या आई गॉट 3 ऑफर्स बट आई कुडंट जॉइन बिकॉज़ ऑफ दिस डिसेबिलिटी। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। तो सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं है, पेशेंट का जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हैं, वो भी रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ पेन। और ये ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, बट पेशेंट कई बार, हालांकि रोहिणी तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, बट समटाइम्स हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि सर्जरी करानी है, कैसे करानी है। सर्जरी कराने के बाद कुछ अप्रिहेंशन होते हैं। क्या मुझे लास्ट टाइम जनवरी 2020 में ही लॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि आप उनकी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, दैट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर यू एंड लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बट इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक। व्हाई? क्यों? मतलब आपको क्या डर लग रहा था? क्यों सर? इट्स अ माय मेंटालिटी मे बी दैट आई एम बोर्न विद दैट बोन, हाउ कैन आई गेट इट कट? जो नेचुरल है, जो गॉड गिफ्ट है, तो उसको हम क्यों सैक्रिफाइस करें फॉर समथिंग दैट इज आर्टिफिशियल? बट अगर कोई नेचुरल चीज़ है वो पेनफुल हो गई है, विच इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन व्हाट इट इज मेंट फॉर, तो फिर तो चेंज करना ही पड़ता है, राइट? अब मैं मेरे वेट की इशू की वजह से, इसकी वजह से मैं श्योर भी नहीं थी कि वेदर ये मेरे लिए वर्क करेगा या ये कैसे अज्यूम कर लिया आपने कि वेट ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेगा, या किसी ने बताया है, या कैसे, मतलब ये मिसकंसेप्शन कैसे हुआ? हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इतने ज़्यादा वेट पे तो आर्टिफिशियल हिप डिसलोकेट हो जाएगा वेट की वजह से। ओके, आई होप कि ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ये आपने जस्ट ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यही प्रॉब्लम है कि डायग्नोसिस नहीं बनता है, वन। सेकंड, पेशेंट के अपने एप्रिहेंशंस होते हैं, और जब हम जिस डायरेक्शन में सोचते हैं तो हम जो सपोर्टिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं। हमारा खुद मन नहीं था तो इसलिए जिसने भी मना किया हमें वो ओपिनियन ज़्यादा अच्छे लगे। आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग सर, इन 2015 व्हेन आई वाज विद माय हस्बैंड इन यूएस मिशिगन, तो वहाँ पे डॉक्टर टोनी, मुझे सेम पेन हुआ था फिर से राइट हैंड राइट साइड बैक, तो मैं डॉक्टर टोनी ट्रेट के पास गई। डॉक्टर टोनी ट्रेट ने मुझे पूरा एक्सरे वगैरह करवाया और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको ऐसी आर्थराइटिस वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा कि योर बोन इज परफेक्टली फाइन। अगेन वही बात आ गई कि वेट ज़्यादा है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से पेन। हाँ, उसकी वजह से पेन।
ये यूएस के डॉक्टर्स का डायग्नोसिस था। आई थिंक इनिशियली जब एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस एक स्टेज में होता है तो वो मेडिसिन से काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। यस एग्जैक्टली राइट। आई थिंक वो भी प्रॉपरली नहीं होता नंबर वन, लेकिन एक स्टेज के बाद मेडिसिन इसमें काम नहीं करती, जब वो काफी डैमेज हो जाता है देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर सर्जिकल ऑप्शन राइट। तो अब वो स्टेज आ गई है और एटलीस्ट एट दिस टाइम यू आर कन्विंस्ड कि यू शुड गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट। तो आज हम रोहिणी का MIS टेक्निक से सेरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और आई होप कि इनकी जो डिसेबिलिटी है, जो पेन है, उसको हम रिलीव कर पाएंगे और वी विल बी एबल टू गिव हर बैक ए नॉर्मल लाइफ। थैंक यू एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इधर अपेरेंट शॉर्टनिंग लग रही है बट एक्चुअली शॉर्टनिंग इसलिए नहीं है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है राइट नी पे, सॉरी हिप में डिफॉर्मिटी है, सेकेंडरली राइट नी में डिफॉर्मिटी लग रही है। कंपेयर करें अगर लेफ्ट साइड से तो ये नी बिल्कुल फ्लैट है बेड के ऊपर, लेकिन आप ये नी देखेंगे अराउंड 5 to 6 इंचज बेड से ऊपर है बिकॉज देर इज ए फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो हम मूवमेंट्स पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे, बिल्कुल फ्री है मूवमेंट्स, फ्लेक्शन भी बहुत अच्छा है और अबडक्शन अडक्शन भी बिल्कुल फ्री है जैसे एक नॉर्मल यंग लेडी में होना चाहिए। अगर राइट साइड में देखें तो ऑलरेडी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, अगर मैं थोड़ा सा फ्लेक्शन मोड़ सकते हैं इसके ऊपर फ्लेक्शन नहीं है और रोटेशन भी बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं रोटेशन की कोशिश करता हूँ तो पेशेंट एज ए होल इज मूविंग और अबडक्शन भी नहीं है, पूरा पेल्विस मूव कर रहा है, ये देखिए पूरा पेल्विस मूव कर रहा है। अगर कंपेयर करें लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल फ्री है मूवमेंट्स, लेकिन अगर इस पैर को मैं बाहर की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ तो पेशेंट इज मूविंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी स्टिफनेस है और काफ़ी पेन है। सो आवर टारगेट इज टू मेक इट फ्री, पेन फ्री, मोबाइल एंड ये जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है इसको करेक्ट करें। रोहिणी का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे है, इसमें आप देख सकते हैं कि राइट हिप काफ़ी डैमेज्ड है और जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस्ड है, इसी वजह से इनको स्टिफनेस भी है और डिफॉर्मिटी भी है। हालांकि लेफ्ट में भी चेंजेस हैं लेकिन इतने नहीं हैं। तो अभी हम राइट साइड का इनका हिप रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं। ये है सर्जरी के तुरंत बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ कि हमने ये नॉन सीमेंटेड इनका कप डाला है जिसमें कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोन क्वालिटी अच्छी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि पेल्विक टिल्ट है, राइट साइड लो है और लेफ्ट साइड अप है। तो पेशेंट की इमिजिएटली आफ्टर सर्जरी कंप्लेंट थी कि मेरा पैर लंबा हो गया है। ये काफ़ी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। जब पेन होता है, स्पैजम होता है तो पेल्विस थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन टाइम के साथ ये करेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ देखने की है कि स्पाइन में फ्यूज़न है जो कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का टिपिकल फीचर है और SI जॉइंट्स विजिबल नहीं है। अगर हम नीचे देखें तो स्टेम भी काफ़ी स्नगली फिटिंग स्टेम है, बोन क्वालिटी अच्छी है इनकी और ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये है 6 महीने बाद का एक्सरे। इसमें आप देखेंगे पेल्विस बिल्कुल बैलेंस हो गया है। ये हमेशा ही होता है, जैसे पेशेंट का पेन चला जाता है, स्पैजम चला जाता है, पैर एक लेंथ इक्वल हो जाती है तो शुरू में पेशेंट को कई बार लगता है कि पैर थोड़ा लंबा हो गया है। 6 महीने बाद आप देखेंगे बोन पूरी तरह इंटीग्रेट कर गई है, सॉकेट और बोन के बीच में कोई गैप नहीं है, बोन बिल्कुल अच्छे से ग्रो की है और यहाँ भी आप देखेंगे बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है स्टेम और बोन के बीच में, पूरा बोन यहाँ ग्रो कर रही है,
और ये ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स होते हैं, ये कभी भी लूज़ नहीं होते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कभी निकालना भी पड़े इसको, तो बोन को फ्रैक्चर करने करे बिना, बोन को काटे के ही इसको निकाल सकते हैं, वैसे इम्प्लांट कभी निकलते नहीं हैं। तो एक तरह से ये लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट है, ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट की सबसे बड़ी एडवांटेज है। दो तीन बार चलेंगे इसे नॉर्मल जैसे चल रहे। वेरी गुड। सामने देख के चलो। वेरी गुड। एग्जामिनेशन कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी। राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, तो इनकी मूवमेंट्स हम देख रहे हैं। पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे जो कि नॉर्मल है, फ्लेक्शन अंडर, रोटेशन फ्री एंड अब्डक्शन फ्री, ये इनका नॉर्मल, ये है जो इसमें सर्जरी की है हमने। फ्लेक्शन 90, रोटेशन बिल्कुल फ्री हैं और अब्डक्शन भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पैरों में। अभी चल भी रहे थे तो हम देख के पता नहीं लग रहा था कि कौन से पैर की सर्जरी हुई है। एंड दैट इज़ द एम ऑफ MIS टेक्निक कि पेशेंट जब वापस हमारे पास आते हैं तो बताना मुश्किल हो कि सर्जरी कौन से पैर। सर्जरी के 6 मंथ्स के बाद रोहिणी हमारे साथ हैं, वापस हमें फॉलोअप के लिए दिखा रहे हैं रोहिणी, एंड शी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और जिस डिसेबिलिटी और पेन के साथ हमारे पास आए थे that has been totally relieved. हाँ जी रोहिणी, क्या कहते हैं सर? मुझे तो लगता है कि सबको जिनको भी प्रॉब्लम है कंपेयर करें अपनी सिचुएशन हमारी सिचुएशन भी से जी जी, और वो कंपेयर करके आई थिंक आपका भी वीडियो डालने का यही एम रहता ये है, यही मकसद, क्योंकि आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट सर दवाइयाँ नहीं काम करती। ये मेरा फाइनल जो मेरा स्टेटमेंट है वो यही है कि मेडिसिन के पीछे भागना बेकार है आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट। और आपको सर्जरी यदि आप हम लोगों के जैसा सारे पेशेंट मेरे सारे पैरों सफर यदि आप उस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं हमारे जैसे तो रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। नो नीड टू गेट स्केयर्ड, इट्स अ लाइफ सेविंग सर्जरी एंड यू विल गेट योर लाइफ बैक। So what is the difference between life before surgery and now? Sir, before surgery, I couldn't even walk for without a walker, to walk करना impossible था। और मुझे कोई एक ग्लास पानी भी डालने बोल देता था तो मुझे वो इतना टफ जॉब लगता था। माई गॉड, फैन स्विच ऑन करना, ये सब बच्चा संभालना तो बहुत दूर की बात है। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई सर्वेंट एंड माई फादर माई मदर। लेकिन अब मैं अपना बेबी भी संभालती हूँ, उसको नहलाना, उसको खिलाने के लिए बाहर ले जाना, सब कुछ करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ सारा। फिर मैं अपना बुक, चूँकि राइटर हूँ तो बुक लिखती हूँ। रोहिणी इज हिस्ट्री स्कॉलर, तो ये एक बुक अभी लिखी है रोहिणी ने, उसका क्या टाइटल है? इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन। इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। ग्रेट। तो जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो रोहिणी विल बी गुड इंस्पिरेशन फॉर देम। और कोचिंग भी शुरू किया आपने? कोचिंग भी शुरू। ग्रेट। तो आई थिंक ये जो हमारा ट्रीटमेंट है दैट इज जस्ट अ बिगनिंग। पेशेंट जिस कंडीशन में आता है उस टाइम तक वो सारी जो चीज़ें हैं भूल जाता है। उस टाइम पे पेशेंट का आइडिया होता है सर्वाइवल एंड मोबिलिटी। लेकिन अब आप उस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, नाउ यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। तो हमारा जो एज सर्जिकल टीम, एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, हमारा पर्पज़ यही है टू गिव यू ए न्यू बिगिनिंग, ताकि आप सफरिंग, पेन, डिजीज को भूल जाए। तो जो भी पेशेंट हमारे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो
तो रोहिणी आपके सामने एग्जाम्पल है कि हमें डिजीज को बहुत लंबे समय तक रखना नहीं है, वेट नहीं करना है, ये शायद ऐसे ही ठीक हो जाए। जब एक बार आपको डॉक्टर सर्जरी की एडवाइस करते हैं तो प्लीज गो अहेड, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो हिप की जितनी भी कंडीशन है मोस्टली यंग पेशेंट्स में होती है, उस स्टेज में जब आप मैक्सिमली एक्टिव होते हैं, जब आपकी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इसलिए आप टाइमली सर्जरी कराएं या व्हाट एवर ट्रीटमेंट जो भी जरूरत है, तो बीमारी को लंबे समय तक रखने का कोई एडवांटेज नहीं। And I have suffered for 2 years. Hmm. Now I think that there was no need to suffer for 2 years. And those two years we can undo back. Yes. 2 years are very precious at this stage. At this stage. When you are seeing your kids to grown up and all this, they are going to school and you are not able to send them to school. चीजें छोटी लग रही हैं लेकिन actually ये बहुत बड़ी parents के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात होती है कि वो अपने बच्चों को ग्रो अप करते देखें, उसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी अपब्रिंगिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये सब चीजें वैसे मामूली लगती हैं लेकिन जिस जो इंसान नहीं कर पाता है तो उसके लिए बहुत क्या क्या मिस कर रहे हैं। मुझे कुछ डॉक्टर से भी शिकायत भी है, रिक्वेस्ट भी है कि काश उन्होंने मुझे पहले बताया होता कि हाउ फेटल दिस डिजीज कुड बी और आप इसे थोड़ा सीरियसली लीजिए, एंड इट्स लाइक डायबिटीज एंड हाई बीपी, इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली तो आपको बुरी कंडीशन डिटोरियट नहीं होगी सिचुएशन। मैं अनफॉर्चुनेटली सर बिफोर डॉक्टर ओपी घर मैं जितने भी डॉक्टर्स से मिली उन्होंने मुझे ये कहा अरे 1 month दवाई खा लीजिए ठीक हो जाएगी, और एग्जैक्टली आफ्टर 1 month मैंने देखा कि मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हुई। मुझे क्या ही पता चलेगा कि कितना बुरा हो सकता है कंडीशन, क्योंकि आप लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि अरे तुम्हें पहले से था तुमने बताया नहीं। अरे मुझे पता होता तो तुम बताते, क्योंकि बिकॉज किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा कि एक्चुअली गाइडेंस टाइम पे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जैसे आप टीचर हैं स्टूडेंट को गाइड करते हैं, करेक्ट। तो ये जो वीडियोस हैं जो हम ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू जो करते हैं इसका पर्पस यही है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। आप इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, आप जहाँ भी इलाज करा रहे हैं तो प्लीज़ टाइमली ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप इस वर्स्ट सिचुएशन तक ना पहुँचे एंड यू कैन सेव योर टाइम एंड मनी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर के लिए एक और बात, सर को मैंने कई बार बोला है आज भी बोल रही हूँ, सर इज लाइक माई सेकेंड मदर। उन्होंने मुझे एकदम के मैं आई एम रीबॉर्न, आई एम रीबर्थ बाय हिम। थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। साथ काम किया आपके फादर से मिलते लास्ट टाइम, तो पेरेंट्स को हमारी तरफ से नमस्ते भी है, कन्वे योर विशेस। अब तो मैं इतनी फिट हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी फिट हूँ कि आई डोंट नीड एनी असिस्टेंट। अच्छा, अकेले आए हैं? अकेले आए हैं। तो वॉक भी आप अच्छा कर लेते हैं, 3-4 किलोमीटर बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन बेटर शेप। थैंक यू।